गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर न्यू एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। आप और मैं पिछले कुछ दिनों से सैन डिएगो ज़ू जा रहे हैं और हम वहाँ के ज़ू एनिमल से मिल रहे हैं। बट क्यों मैंने ये सोचा कि मैं आपके घर पे आपके एनिमल्स पहुँचा दूँ, तो आज मेरे पास है एक ब्यूटिफुल अमेजिंग वुल्फ। ये वुल्फ बहुत अमेजिंग है, रात में हूट करता है और कुछ बच्चों को वुल्फ से डर भी लगता है। और आप लोगों ने मोगली देखी है, मोगली को इसी वुल्फ ने पाला था। ओके, तो मजाक कर रही हूँ, ये हमारा गूगल 3D एनिमल है आज का हमारा क्लास। सो आप देख सकते हैं इसको, हमारे कैमरामैन पर हम गायब कर देंगे हमारे स्क्रीन से। सो आज मैं आपके सामने गूगल 3D एनिमल्स लेकर आई हूँ, जो आप अपने घर पे अपने मोबाइल फोन के ऊपर, अपने बेड के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर, पर हम तब तक आप एनाकोंडा चला दीजिए मेरे टेबल के ऊपर। तो हमारे पास अभी एनाकोंडा आ रहा है और हमारी टेबल के सामने, येलो कलर की टेबल के ऊपर एक ब्यूटिफुल स्नेक बैठा हुआ आपको दिखेगा। और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको गूगल 3D एनिमल आपके गूगल क्रोम में लिखना है। जैसे आपको पता है हम लोग गूगल के अकाउंट्स दिए हैं और गूगल 3D एनिमल्स आपको मिले हैं, तो ये आप देखेंगे, ये एनिमल्स आप किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं। तो मैंने ये एनिमल इस समय अपने पलंग पे साइड टेबल पे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं इसके, ये 3D एनिमल्स हैं। तो आपको ये देखेंगे आगे पीछे, अपना मुंह आगे पीछे करते घुमाते हुए, और ये बहुत अमेजिंग होता है जब आप इसको किसी के साथ फोटो खींच लेते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल रियल एनिमल लग रहा है जो मेरे कमरे पे बैठा है। अब इसको कैमरामैन छोटा, बड़ा और दीवार पे भी लगा सकता है। अगर इसको चढ़ा देंगे उतार के तो ये दीवार पे लग जाएगा। ये मेरे AC के ऊपर आ गया, देखिए आप, ये AC के ऊपर बैठा है और ये देख रहा है, ये उसका बैक पोर्शन है। और इसको हम नीचे से देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये ऊपर हवा में उड़ रहा है। और इसको उतार के कमरे में छोटी सी किसी कोने में भी चिपका सकते हैं, ज़मीन पे। देखिए, ये दिखाएंगे कि ये एकदम कोने में बैठा है। ओके, सो दिस इज अ 3D एनिमल स्नेक। देयर कम्स मकाओ। आपने सिंगापुर में मकाओ बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के मकाओ हैं। मकाओ एक प्रजाति होती है कलरफुल पैरट्स की, जिनका एग्जैक्ट बीक होता है, ये नट्स खाते हैं। और ये मकाओ आपको होटल ललित के सामने दिखेगा, मेरी बालकनी में होटल ललित दिखता है और वहाँ पे हमें अपना मकाऊ दिखेगा। और वो मकाऊ मेरी बालकनी में रेड कलर का ब्यूटीफुल मकाऊ आपको बैठा हुआ दिखेगा। और इसको हम लंबा, बड़ा, छोटा सब अपने मुताबिक कर सकते हैं। मेरे प्रिंटर के ऊपर बैठा दिया है इसको, पर हमने देखिए, ये मेरे प्रिंटर के ऊपर मकाऊ बैठा है और ये पंख फड़फड़ाएगा अगर इसका मूड करेगा तो। तो ये लेफ्ट देख रहा है, राइट देख रहा है, आप इसकी आंखें देख सकते हैं। इट इज एज गुड एज अ रियल मकाओ। तो दिस इज गूगल 3D एनिमल। अब ये बर्ड है, अब हम लोग थोड़े वाटर एनिमल्स के पास चलते हैं। तो सबसे खतरनाक वाटर एनिमल होता है एलिगेटर। तो परम, क्या हमारे रूम में नीचे एलिगेटर आ सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं एलिगेटर, बिग एलिगेटर। बहुत खतरनाक होते हैं एलिगेटर, काफ़ी शार्प टीथ होते हैं इनके और मुंह काफ़ी बड़ा होता है। और ये लोग काफ़ी टाइम सोते हैं, आधा टाइम पानी में रहते हैं। ये दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और इनको पानी के अंदर रहना पसंद है। और हमारे गूगल 3D एनिमल्स हमारे हाथ में होते हैं, हम छोटा बड़ा इनको अपने हाथों के स्क्रीन से कर सकते हैं। सो इसको मेरे ऊपर भी चढ़ा सकता है परम, और आपको दिख रहा होगा मेरे सामने मेरा 3D एनिमल। हालांकि कुछ है नहीं मेरे यहाँ सामने, बट आपको स्क्रीन पे मेरे साथ मेरा एलिगेटर दिख रहा होगा। सो दैट इज एन अमेजिंग आइडिया, एंड दिस एलिगेटर कैन कम फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। और अब दूसरा ब्यूटीफुल एनिमल जो परम का बहुत अच्छा फेवरेट एनिमल है, वो है शार्क, जो पानी के अंदर रहते हैं। और परम उस शार्क को आज हमें दिखाएगा और परम हम लोग को उसके मुंह पे एकदम सामने ले जाएगा, जहाँ पे हमको बड़े बड़े वाइट टीथ नजर आएंगे उस शार्क के।
तो हम देखते हैं परम क्या हमारे पास 3D शार्क आ रहा है। ओके परम उनको लेकर आ रहा है, तो क्या हम छोटी सी शार्क इस बॉटल के ऊपर देख सकते हैं? इस बॉटल के ऊपर छोटी सी शार्क हमको दिखेगी? ओहो बड़ी हो गई। ओके ये लैंड करा रहे परम, परम छोटी सी शार्क बना दी और उसने इसको लैंड कराया मेरे बॉटल के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके कैन यू सी हमारे पास एक छोटी सी शार्क है जिसकी बड़ी बड़ी टीथ है, और कितनी बड़ी कर सकते हो परम इस शार्क को? एज बिग एज यू कैन, द बिग शार्क इन माय रूम, या दैट इज वेरी बिग, ओ गॉड। ओके छोटा कर दीजिए, अब एक छोटा सा प्यारा सा रकून मेरे सामने बिठा सकते हो आप। रकून बहुत क्यूट एनिमल होते हैं पर बहुत स्टिंकी होते हैं, बहुत बदबू मारते हैं। सो मेरे पास छोटा सा रकून आएगा यहाँ पे, देखिएगा अभी परम इसको लेकर आ रहे हैं और ये रकून मेरे साथ बैठेंगे और हम लोग बातें करेंगे अफ्रीका के जंगलों की। सो जहाँ हम सैन डिएगो ज़ू गए थे अपनी मस्ती की पाठशाला में बैठ के, अब रकून सामने है आपके। सो ये आप अपने बच्चों के साथ सरप्राइज फोटोज खींच सकते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरी मम्मी सो रही थी, मैंने अपनी मम्मी के पेट के ऊपर एक टाइगर को खड़ा कर दिया था एंड माय मॉम वाज सरप्राइज्ड व्हाट इज दिस, फोटो खींच के मैंने उनको दिखाया एंड बहुत फनी फोटोज बनते हैं। सो यू कैन सरप्राइज योर फ्रेंड्स बाय पुटिंग द एनिमल ऑन योर लैप, अपने हाथ पे, अपने बिस्तर पे, और बहुत फनी है। और अपने बच्चों को इन सब एनिमल्स के साथ स्टोरीज सुना सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया था क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, यू कैन डू क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग विद योर किड्स विद दीज एनिमल्स इन पिक्चर। पर हम अब हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एक बार लोगों को आप साइट पे लेके जाइए, क्या लिखना होगा लोगों को गूगल में आप दिखाइए। हम लोग साइट में जा रहे हैं और गूगल में आपको एक बार हम लास्ट अपना क्यूट ईस्टर बनी दिखाना चाहता है आपको। एक नया एनिमल लॉन्च हुआ है ईस्टर बनी, ये देखिए ये छोटा ईस्टर बनी क्यूट सा लॉन्च हुआ है। अभी ईस्टर था कुछ दिनों पहले, उसके आवेज में ये लॉन्च हुआ है एंड कितना क्यूट है। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस बनी एंड ही कैन जम्प, अगर आप इसको देखोगे टैप करोगे तो ये जम्प भी करेगा। कुछ केसेस में आपको एनिमल्स के साउंड्स भी सुनाई देंगे। सो गो इन्जॉय, जस्ट टाइप गूगल 3D एनिमल्स ऑन योर क्रोम एंड क्लिक कर दीजिए और ये आपको सब एनिमल्स के पास ले जाएगा। हालांकि सब एनिमल्स नहीं है बट तकरीबन 30-40 एनिमल्स हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू टूडे, इन्जॉय योर 3D एनिमल्स, आई विल बी बैक विथ सम मोर नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।